सारी जाजकों का समाज परमेश्वर की निष्प्रजा और निज है। यथा जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, अब उसके गुणों को क्या करो, प्रकट करो। आप उसके गुण को आज बारिश में खड़े होकर प्रकट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आपकी ऊर्जा है फिर आज ये सारी शिक्षाएं आपकी, ये गुण है, गुण है। बोल गए कि हम बारिश में भी खड़े होकर उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? कितनों को मजा आ रहा है? सच्चो झूठ ना बोल रहे हो, पंगा पाया जाके। मैं विश्वास करता हूं जो मैं बोल रहा हूं उससे भी कई गुना आपको ज्यादा खुदा इस्तेमाल कर डरना भी। बोलो क्या डरना? डरना भी। अब जब मुझे इस वचन की समझ आ गई, सुनो अब मैं गवाही देता हूं, हम और भी गवाही सुनते हैं, फिर मैं अब मेरी गवाही सुनो। एक बार क्या हुआ कि मैं रूम में अपने अकेला सो गया और मेरे सारे परिवार वाले से ऐसे जैसे वेड़ा बोल दो, जैसे लॉबी बोल दो, तो वहां पे सोए हुए गर्मियों के दिन और मैं अकेला रूम में सोया हुआ पंखा लगाकर, और रात को शैतान ने मेरे गले को पकड़ लिया, मेरी सांस को बंद कर दिया। मेरी एकदम से आंखें खुल गई और मैंने देखा मेरे सारे परिवार वाले सोए हुए और मैं उन्हें आवाज मार रहा हूं कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी किसी ने मेरे गले को पकड़ लिया, मुझे सांस नहीं आ रही। सुनो मेरी ध्यान से बात, बोल गए मेरे गले को किसी ने पकड़ लिया है। पर मैं जब मेरी आवाज उन्हें मारने लगा तो मेरी आवाज नहीं निकल रही। अब मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें हाथ से ऐसे इशारा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरी ऐसे मैं हाथ से इशारा कर रहा हूं कि मुझे बचाओ, मेरे गले को किसी ने दबा लिया है, कोई मुझे मारना चाहता है। अब मुझे पता चला कि मेरी तो आवाज नहीं निकली, अब मैं क्या करूं। और यही वचन जो आज मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एकदम से जब खुदा ने मुझे उन दिनों में बहुत समय पहले इस वचन की समझ दी कि इसका मतलब क्या है, मैंने चट से उस वचन को अपने मन के अंदर याद किया और मैंने शैतान को कहा तू मेरे पांव के नीचे चल, मन में कहा, एकदम उसने मेरे गले को छोड़ दिया, एकदम से मेरे गले को छोड़ दिया। सुनो फिर सुनो, और जैसे उसने गले को छोड़ दिया मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर। और 5 मिनट जब मैं फिर दोबारा सोया, 5 मिनट दोबारा मुझे फिर नींद जब आनी शुरू हुई, फिर शैतान ने मुझे पकड़ लिया, फिर मेरे गले को पकड़ लिया। सुनो फिर मैं बड़ा डर गया। बोलो क्या फिर मैं डरा नहीं, फिर मैं मेरे अंदर और भी दलेरी आ गई। मैंने कहा तुझे एक बार समझ नहीं आती, मैंने तुझे क्या कहा, चल गप्पा आ जा, इतने कहा। आज तक वो शैतान कभी मेरे नजदीक नहीं आया, क्योंकि उसे समझ आ गई। इसलिए शैतान हारा हुआ है और ये जीत परमेश्वर ने आपको मसीह में दे दी। बोल गए ये जीत, जीत आपको परमेश्वर ने दे दी है, आप हारे हुए नहीं हो, जीते हुए। हारते हम इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं करते, हम उसकी आंखों को नहीं मानते। मानकर देखो, उसके वचन पर चलकर देखो, उसके वचन को पूरा करके देखो, देखो क्या होगा। आमीन। कैसे कैसे आज आशीष आ रही है स्वर्ग से, जोर से बोलो हालेलुया। तो करते हो विश्वास हम जीते हुए, बोलो गए हम जीते हुए, हारे हुए नहीं। इन बातों को अपने सीखना और समझना है, क्यों परमेश्वर का हे मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना भूल। बोलो गए इसे लिखा जो बुद्धिमान है वो आंखों को स्वीकार करता है। बोलो गए वो बुद्धिमान आंखों को स्वीकार करता है, उसमें उसको सीखता उसमें बढ़ता है, और जो ऐसे करते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। अब पीछे रहना चाहते हो तो आगे जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, कितने लोग सारे आगे जाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूं
आज मुझे लगता है कि हो सकता कुछ लोग आज जब बादल हो गए तो रास्ते में वो बोलो हो बारिश आ जाएगी, हाँ पता नहीं रास्ते में रुके हो क्या हो या क्या करें, तो मेरी सलाह है कि कभी भी ऐसे मत करना, ज्यादा करना। वैसे कहें आओ जाओ पर बारिश किस दिन हो, देख पंजाबी कहते ना बिद के आना जा, बिद के आना ज्यादा आना, सारे काम छोड़ के आना और टाइम से आना, ज्यादा खुदा ब्लेस करेगा। आमीन आमीन। किससे गाएंगे? उसी तरह से, उसी आनंद से। ओ यीशु यीशु तेरे नाम दी बल सुनो बल। अब ऐसे करना है, तू मेरे पांव के नीचे करते हो विश्वास? करते हो? खुदा का डर रखोगे? पुत्रताई में जीना है, कोई पाप नहीं करना, उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने पैरों के नीचे कर दिया। आमीन। गाओ। ओ यीशु यीशु तेरे नाम दी बल रहने वाले और जी बैटरी लेवल लो हो गया।
और जब पापा जी बता रहे हैं कि 7 महीने हो गए इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी जिसके कारण जी बहुत ही परेशान थे, जब बता रहे हैं कि सिर के दर्द के कारण इनकी पूरी बॉडी में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जब बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किडलने भी पड़ती थी जिसके कारण इन्हें चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी और सिर के दर्द इतनी भयानक थी कि जब बता रहे हैं कि उसके कारण जी बहुत ही परेशान हो चुके, इन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन भी खाई फिर भी जो बता रहे हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसके कारण जो परेशान थे। पर जब मीटिंग में आ रहे थे तो जो बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने थर्सडे संडे की तो मीटिंग अटेंड कर रहे थे पर इसके प्रॉब्लम के कारण इन्होंने पर्सनल मंडे की मीटिंग को परमेश्वर के दास के साथ जैसे इन्होंने मीटिंग की तो जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, इनके मिसेज भी उस दिन इनके साथ आए थे तो इनको एक वचन दिया गया कि परमेश्वर ने आपको तो बचाया है, परमेश्वर ने आपके पूरे घराने को आपके विश्वास के कारण बचा लिया है तो आज आपके लिए जो हालात तो कुछ भी नहीं है, आपने ऐसा विश्वास करना है। तो जैसे इनके मिसेज जी वचन लेकर जब अपने घर गए तो क्योंकि ये तो काफी परेशान थे प्रॉब्लम के कारण इनको कुछ जान भी नहीं रहता था, पर जैसे इनके मिसेज ने भी इस वचन को लेकर धन्यवाद किया प्रार्थना करते रहे तो जो बता रहे कि जो बहुत ज्यादा दर्द थी परमेश्वर ने उस दर्द से इनको फ्री कर दिया और उन्होंने कोई भी मीटिंग को मिस नहीं किया। जो बता रहे कि प्रॉब्लम भी थी पर जो घर नहीं रुके, इन्होंने प्रॉब्लम के कारण भी जो मीटिंग में आते रहे। जो बता रहे कि फिर टीम ने विजिट भी की और भी जो इनका पहले विश्वास नहीं बना था इनको और भी टीच किया गया तो जो बता रहे कि आज पूरे 15 दिन हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह परमेश्वर ने 7 महीने के सिर के दर्द के प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है और अभी जो आप चलते फिरते कोई भी नहीं प्रॉब्लम नहीं आती, जो बॉडी में कड़लने पड़ते थे दर्द रहती थी उससे भी परमेश्वर इनको आजाद कर दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे, फिर से जो से अपने हाथों को उठाते उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत कर वो तुझे फल देगा। कई लोगों के मसले गंभीर होते हैं और फंसे रहते हैं, इसलिए जो पर्सनल मीटिंग रखी है आपके लिए वो इसलिए रखी है, संगति हमारे उत्साह के लिए। बोलो क्या? संगति हमारे उत्साह के लिए, उत्साह के लिए। पर्सनल मीटिंग का मतलब जो बातें हमें समझ नहीं आ रही हमें और उसे समझना है, कैसे सीखकर उन कामों से खुदा को उन कामों को करवाना और कैसे लेना है। जब देखो ये आए संडे वीरवार तो आ ही रहे थे पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कई बार समझ नहीं आती, पर जब वचन मिला समझ गए कैसे शास करना है क्या करना है। जब किया कितने साल की दर्द गई है? 7 साल की, और ये नॉर्मली दर्द नहीं बड़ी भयानक दर्द थी, इसलिए जिस दिन इनके 7 महीने 7 महीने ना तो उस दिन ये नहीं आई इनकी मिसेज आई क्योंकि ये तो घर में बीमार पड़े थे। बोले क्या थे ये घर में? साथ में आए थे पर दर्द के कारण इनको इतनी समझ नहीं थी इनके मिसेज। अच्छा, साथ में आए और दर्द के कारण बिल्कुल भी इन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ये कितने समय की पहले की बात है? 7 महीने की दर्द थी और नहीं ये जब मीटिंग हुई तो कितने समय पहले हुई? आज से 2 दिन संडे बीत गए हैं और उससे पहले इन्होंने पर्सनल आए थे, वो मीटिंग याद नहीं। मतलब कम से कम महीना के करीब करीब हो गया जी। तो जब हम मेहनत करते हैं और सीखते हैं तो खुदावंद हमें डिलीवर करता है, आजाद करता है, जैसे इनको कर दिया। अब भले चंगे कोई मेडिसिन नहीं कोई कुछ नहीं है, खुदा ने बिल्कुल अच्छा कर दिया। तारीफ कर दो, जोर से कर दो, जोर से तारीफ कर दो। आमीन। ओके, मैं सबको और भी बरकत दे। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से ठीक है।
इनके घुटनों में, इनके जोड़ों में बहुत दर्द हो रही थी, प्लस इनके सिर में भी बहुत दर्द थी। जब बता रहे कि जब मेडिसिन भी खा रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इतनी दर्द थी। और जब बता रहे कि कल भी इन्होंने भवन में सेवा के लिए आना था, पर फीवर के कारण जब बता रहे कि इनसे चला नहीं जा रहा था, जिसके कारण बहुत परेशान थे। पर जब बता रहे कि कल जब ये प्रॉब्लम थे, सेवा के लिए आए कि नहीं आए? नहीं आए, नहीं आ पाए। पर आगे से ही अगर आप सेवा करते हो तो रुकना नहीं, आना है, ठीक है? हाँ बताओ। और जब बता रहे कि जैसे जो सुबह भवन में आए, तो जब बता रहे कि आते इन्होंने प्रेयर की, उससे समय जब बता रहे कि प्रभु की ग्रेस ने इनको शो, जब बता रहे पूरी बॉडी में इतनी दर्द थी, इतनी ज्यादा, जब बता रहे कि उस समय इनको फीवर भी था, पर जब बता रहे कि परमेश्वर ने उससे समय आते इनको शुआ, जब बता रहे कि अभी इन्होंने पूरे रूह से वर्शिप की, कोई थकावट नहीं, कोई दर्द नहीं है, जब बता रहे पूरी तरह परमेश्वर ने इस तरह से फीवर से पूरी तरह से आजाद कर दिया है। बोलो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? बोले गए, सुनो सुनो एक चीज सुनो, विश्वास करने वालों के साथ तो परमेश्वर की ग्रेस काम करती करती है, उसका मसा काम करता ही है, पर एक मसा यहां पे काम करता है। बोल गए, एक मसा यहां पे काम करता है। जैसे यहां पे आए इस भवन में और प्रार्थना की, बोल गए, सारा चार दिन का बुखार गया जो मेडिसिन से भी ले जा रहा था, सारे ज्वाइंट जोड़ों में दर्द हो रही थी, बड़े परेशान थे, एकदम से खुदा ने उसी समय शुआ सारा बुखार, सारी जोड़ों की दर्द हवा में उड़ा दी। वर्शिप कर रहे और नंद कर रहे और बिल्कुल चंगे भले और कोई बुखार नहीं है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, तारीफ करो आपको। आजकल एक वायरल बुखार चल रहा है, बोलो क्या है? आजकल वायरल बुखार चल रहा है, बोलो क्या है? कितनों को पता उस बुखार का नाम क्या है? आप में से कितनों को पता उस बुखार का नाम क्या है? कुछ लोगों को पता, सबको नहीं पता। उसे बोलते चिकन गुनिया, यही नाम है ना? क्या बोलते उस बुखार को? चिकन घुनिया करके बुखार का नाम है। और जिसको भी वो स्टार्ट होता है, पहले फीवर, फिर ज्वाइंट, सारे जोड़ों में दर्द आ जाती है, और कईयों की हालत इतनी है कि वो एक एक महीना तक हॉस्पिटल में रहे इसी के कारण। रहे कि नहीं रहे लोग? और अभी ये वायरल चल रहा है, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की क्लिनिक पे भीड़ लगी होती है, जाओ जाकर देखो, सेम इसी प्रॉब्लम सेम। और ये एक वायरल, एक महामारी का रोग है। इसलिए भजन संहिता 91, भजन संहिता जिसे हम जबूर बोलते हैं 91, उसे हमेशा याद रखो और वचन के अनुसार जियो। बोलो क्या करो? जो भजन संहिता में लिखा है 91 जबूर में, बोलो क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो गए, जो बैठा है, ये नहीं आज संडे है, बोलो गए, आज संडे, ओ अच्छा संडे है, बोलो गए। दाऊद कहता भजन संहिता 1:2 में, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन मगन है। हाँ, ऐसे नहीं संडे संडे है तो संडे मगन होना है, कहता क्या ही धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन क्या है, जो मगन है, मगन जो हमेशा किसके आनंद में, किसको याद कर रहा है। हाँ, जब वो लेटता तब भी वो किसको धन्यवाद दे रहा है, जब वो उठता है तो वो उस क्या कर रहा है वो। चलो एक वचन देखते हैं क्या करना है। मेरी बाइबल दो, आज मैंने कहा कि साथ साथ सब कुछ चलेगा। निकालो व्यवस्था विवरण 6:1, अध्याय
तो शेख की एक सी हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा, ये वह आज्ञा और विधियां हैं और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। मूसा कह रहा है, बोलो क्या कह रहा है? मूसा इसराइलियों को कह रहा है कि भाई ये आज्ञा और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को हो, पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन पर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी करना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तूने अपने बाल बच्चों को समझकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। सुनो, ध्यान से सुनो। तो यहां पे परमेश्वर ने अपने दास मूसा को इसराइलियों के लिए कुछ आज्ञा दी कि इन्हें मानना, अपने पितरों के परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया है, बोल गए, इसकी मानने की चौकसी करना, अपने बेटों को, पोतों को, आगे आगे परतोतों तक, पीढ़ी दर भी अपने बच्चों को, पोतों परतोतों तक सिखाना कि मैं तुम्हारा क्या हूं, परमेश्वर हूं। बताना कि कौन तुम्हें उस गुलामी से निकाल कर लेकर आया है, सबको बताना, अपने पोते परतोते को, आगे तक पीढ़ी को बताना। और इसकी चर्चा कहता, एक तो सारे मन शक्ति से, जीव से, प्राण से उसे प्रेम करना, और उसकी सात आज्ञाओं को जो आज सुनता है उसे मानना है, बोल गए। फिर घर में बैठे और मार्ग में चलते, जब हम घर में बैठे हैं, रास्ते में भी जा रहे हैं, उठते बैठते लेटते, लिखा इनकी क्या करना, तुम चर्चा करना, चर्चा, बोल गए, इन आज्ञाओं की, इन विधियों की क्या करना, तुम चर्चा करना, और इन्हें अपने हाथ के चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम, यहां पे टीका शब्द ना, तवीत की तरह बांध देना, जैसे तवीत बांधते हैं बाजू के ऊपर, परमेश्वर कह रहा है ऐसे मेरे वचनों को बांधना, और अपनी बात चौखट, चौखट समझ नहीं, चौगाठों पर लिखना मेरे वचनों को, और भूलना नहीं, बोल गए, उसे भूलना नहीं है, भूलना नहीं है वचन को। ऐसे नहीं है कि आज संडे, तो ये चीजें हर समय आपके मन के अंदर बनी रहे, उठते बैठते लेटते किसकी चर्चा करना। जब ऐसा आप करोगे, मेरी आप ध्यान से सुनो, जब आप ऐसा करेंगे तो जो वचन भजन संहिता 91 में लिखा है, बोलो क्या लिखा है, जब तुम परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठोगे, सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाओगे, जब तुम ऐसे करके खुदा में मगन रहोगे, तो वो जो संसार में महामारी के रोग आते हैं, ऐसे वायरल जो बुखार है, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आएगा पर वो कुछ नहीं कर पाएगा, बोलो गए, बोल गए, आएगा पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमें कितने विश्वास करते हैं, क्योंकि हम किसकी संतान है, लोगों की तरह, बोलो गए, लोगों की तरह चारपाई पे लेटे रहना है, हॉस्पिटल जाना है, कि खुदा के वचन को मानना और पूरा करना, बताओ मुझे क्या करना है, तो तैयार हो, फिर सब तैयार है कि संडे संडे याद करना है। हाँ, कहता उठते बैठते लेटते
उसकी चर्चा करनी है और ये अपने पोतों परतोतों बेटे बेटियों को सबको सिखाना, सबको सिखाना, आने वाली पीढ़ियों तक सिखाना कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। कितने लोग अपने बच्चों को यह सिखाते हैं? हाँ, खुदा के वचन में ऐसा लिखा है। हाँ, कितने लोग सिखाते हैं? अगर खुद सीखते होंगे तो सिखाएंगे, अगर खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ, समझ आ रही मेरी? अगर खुद करोगे तो फिर लोगों को सिखाओगे, लोगों को भी सिखाओगे, अपने परिवार को भी सिखाओगे। तो आज से ये काम करना है। आमीन। करते विश्वास, करते विश्वास कब ऐसे जिएंगे? कितने लोग लंबी आयु जीना चाहते हैं? लंबी आयु समझते हैं, लंबी उम्र। हाँ, कितने लोग जीना चाहते हैं लंबी उम्र? और परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर कौन लंबी उम्र जिएंगे? जो खुदा के वचन को पूरा करेंगे। क्या फायदा ज्यादा कमा के 50 साल 60 साल में खत्म हो जाना? क्या फायदा फिर कमाएगा? छोटी सी उम्र में 50 में, 55 में, 60 में खत्म हो गई, 50 में फायदा हुआ इतना कमाने का, उससे दूर होकर किसके साथ रहो? दाऊद कहता है मैं इस संसार में 1000 दिन बताऊं और परमेश्वर के साथ एक दिन बताऊं, उस 1000 दिन से एक दिन उत्तम है। मैं आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है, आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। आमीन। तो अभी हम अपने सीड, अपने बीजों को बोएंगे खुदा के घर के लिए, उसकी महिमा के लिए। सुनो मेरी बात, आज मैं आपको, ये क्या हो गया? अच्छा, बैग आपके हैं, ये तो मैं, अच्छा पापा जी वो बैग अलग अलग जगह पर है, वो पता नहीं चलेगा। फिर क्या करें? फिर वो फिर सब बाहर लेकर आने पड़ेंगे इनको देने के लिए। नहीं, ये तो ढेर लगाया मैं देख रहा हूँ। नहीं, वो कुछ अंदर भी रखे हमने। तो अपना अपना पहचान कर इनको यहीं पे रहने दो अभी, नहीं तो आज हम ना रख लें आपके सारे बैग, सारे पैसे। बताओ, रख लें? रख लें जी आपके सारे पैसे? हाँ, चलो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। कोई बात नहीं है, पैसे भीग जाते फिर क्या है? हाँ, क्योंकि जरूरी चीजें थी। आज कितने लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों की ले हैंड है आज, जिन लोगों की ले हैंड है, कितने लोग हैं मनप्रीत आज जिनके? पापा ही वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम वाले ही। सब प्रॉब्लम जो फॉर्म फिल है, सबके फॉर्म भी सबके इनके पास ही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी बारिश रुक गई है, तो ऐसा करो अभी आप अपने जो फॉर्म है वो भी अपने बाइक से निकाल लो। कोई बात नहीं, थोड़ी सी आज डिस्टर्बिंग तो हुई है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर को सब पता है। तो अपने अपने जो फॉर्म जिन लोगों ने आज जिनकी ले हैंड है वो भी ले लो। तो प्लीज शोर नहीं, शोर नहीं, आराम से लेते जाओ, अपनी अपनी चीजें पहचान कर लेते जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, सब ले लिया सब लोगों ने कि रह गए कुछ? हो गया सबका? तब तो थोड़ा सा कुछ गाओ, थोड़ा सा कुछ गाओ, जब तक लोग सेट होते हैं तो फिर मैं बताता हूं। तो थोड़ा सा गाओ ताकि ये सेट हो जाएं लोग। अभी बारिश तो ठीक है, इतनी नहीं है। जल्दी करो, जल्दी है।
दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। सुनो सुनो सारे सुनो, आज मैं आपको एक 20 के ऊपर थोड़ी सी शिक्षा देता हूं। कितने लोग हैं जो अपना 20 वफादारी से बोते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करो। नियम से जो बोते हैं, नियम से जो वो कमाते हैं उसका 10% उसका दसवां जो बनता वो देते हैं। सब देते हैं? अमित कोई ऐसा तो नहीं है जो आधा देता हो या पूरा नहीं देता होगा? तो उनके लिए ऐसे खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैं आपको वचन दूं। जहां जो जो इस नियम को करते नहीं है, जहां आधा करते हैं जब पूरा नहीं करते, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे एक मलाकी भविष्यता, ये लास्ट भविष्यता था। बोलो क्या था? ये सिर्फ लास्ट भविष्यता था यहां पे, जो पुराने नियम के अनुसार जिसने ये बात लिखी। अगर हम इसकी 3 की शे पढ़ें तो यहां पे लिखा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण। मलाकी की पुस्तक उसका 3:6 सुनो, अगर नोट करना तो कर लो। तो यहां पे लिखा, क्योंकि मैं बदलता नहीं, इसी कारण है यकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से टलते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगी, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किसकी बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लौटा? ऐसे परमेश्वर ने ये बात इज़राइलियों को कही। बोलो क्या है? कि मैं यहोवा तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं बदलता नहीं। अगर मैं बदल जाऊं तो तुम कब के नष्ट हो जाते? बोलो क्या है? तुम कब के नष्ट होते हैं? फिर उसने कहा, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। क्या फिरूंगा? सेनाओं का यही वचन। उन्होंने कहा, हम किस बात में फिरे? बोलो क्या है? हम किस बात में फिरे? और तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें?
क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बोलो क्या कहें परमेश्वर? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो तो भी पूछते हो हम किस बात में फिरें, ऐसे परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा तुम पर भारी श्राप पड़ा है। बोलो क्या पड़ा? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसे करती हैं, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले जाओ कि भवन में भोजन वस्तुओं सेनाओं का यहोवा का सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, कांस के जरोखे तुम्हारे लिए खोर कर तुम्हारे ऊपर अपरम अपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं? मैं तुम्हारी नाश करने वाले ऐसे को घुड़कूंगा जो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सुनो ध्यान से, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे लूटते हो, तूने कहा हम किस बात में लूटते हैं? पहले परमेश्वर ने एक बार कहा तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। उन्हें हमने क्या किया कि हम फिरे? फिर परमेश्वर ने कहा तुम लूटते हो, ने किस बात में हमें तुम लूटते हैं? उसने कहा मेरी दशमांश की भेंटों में। परमेश्वर ने कहा सारे अपने दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तुएं हो, परख कर देखो मुझे। बोलो क्या? जांच कर परख कर देखो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आज मेरा विश्वास है, गिनती में चाहे कम में, आज मेरा विश्वास है कि आज का बीज आपका छाता है। चाहे गिनती में आज बारिश के कारण लोग कम आए हैं, जब कुछ ऐसा आगे पीछे हो गए, पर आज का जो बीज है सबसे ज्यादा है, ये मेरा विश्वास है। बोलो गए, मुझे नहीं पता आप क्या डाल रहे हो, पर मेरा विश्वास है कि आज का बीज बाकी सब जितनी संगतियां आज तक हम कर रहे हैं उससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेरा विश्वास है। आज हम विश्वास के साथ साथ कर्म भी करते हैं। अगर खाली विश्वास करते हैं कर्म नहीं करते, ये भी कर्म है। अगर हम विश्वास करते हैं कर्म नहीं करते, हम बरकत चाहते हैं मगर बोते नहीं है। बोलेंगे हम बरकत चाहते हैं कि परमेश्वर में बहुत बरकत है, हम पर बोते नहीं। मैंने अपना बोना, मैंने मंडे को बताया था कि बोलो क्या है, मैंने वीरवार को भी बताया था। कितने लोग थे आज के जो एवेंजलिस मीटिंग में आए थे, और शायद कुछ लोग जो इस सुसमाचार की सेवा कर रहे थे, शायद कुछ लोग नहीं पहुंचे। अरे इतनी जबरदस्त मीटिंग थी। बोले क्या थी? इतनी जबरदस्त मीटिंग थी, कमाल की मीटिंग थी, और इतनी अगुवाई थी। जितने लोग आए वो सुपर डुपर ब्लेस्ड हैं, जितने लोग आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं समा मत गवाओ। और मैंने उन्हें उस दिन स्पेशल अपनी तौर से एक पार्टी की तरह दिया था। उस मीटिंग को पार्टी के रूप में हमने, पूछो जो लोग आए थे, पार्टी जैसे नहीं किया हमने उस संगति को, किया था ना, खाने पीने की सब चीजें पार्टी की तरह हमने की, क्योंकि स्टार्ट था। समझ आ रही है? और जो लोग भी ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं सुसमाचार की, दूसरों को बताते हैं जो, और ये प्रार्थना भी करते हैं, जो लोग आए उन्हें मैंने बहुत से पॉइंट सिखाए कि कैसे परमेश्वर हमें बढ़ाता है, कैसे हमें ज्यादा आशीष देता है। और जितने लोग ये सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, खुदा उन पे ज्यादा नजर रखता है। बोले क्या रखता है? वो उन पर ज्यादा नजर रखता है। आमीन। इसलिए अगर आप बरकत चाहते हो, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि हमें बोना पड़ेगा। अगर हम बोते नहीं है तो बरकत कहां से पाएंगे? परमेश्वर ने खुद कहा, परख कर देखो मैं कैसे तुम्हारे लिए आकाश के भंडार खोल दूंगा और अपन पार आशीष की बारिश करूंगा। हाँ, फिर वो शैतान जो आपके पैसों को चुराता है, बीमारियों में लगाता, मैं उन्हें घुड़कूंगा, झिड़कूंगा, और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। बोलो क्या है? मैं ये क्यों विश्वास से आज बोल रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा बीज है? क्योंकि मैंने अपने से शुरू किया। बोलो क्या है? ये मैंने अपने से शुरू किया है। समझ आ रही है? और मुझे विश्वास है
खुदावन अब लोगों को बहुत बरकत देने वाला है, बहुत बरकत देने वाला, बहुत बरकत देने वाला है। आपके वही पैसे करें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जैसे ही मैंने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, ठीक है परमेश्वर मैं इतना करूंगा, ऐसे करूंगा, बता मुझे, मेरे लिए मुझे चिन्ह दिखा। खुदा ने कहा ठीक है। नेक्स्ट ही शाम को मैंने प्रेयर की, कल सुबह मुझे चिन्ह दिया। क्या दिया? सुबह चिन्ह दे दिया। फिर अगले दिन फिर दे दिया। और मैंने कहा वाह परमेश्वर, तू इतना नेड़े का परमेश्वर है, अब तो मैं और करूंगा। क्या करूंगा? अब तो मैं और करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है। क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका परमेश्वर कितना ताकतवर है। आमीन। चाहते हो खुदा से बरकत? जो बोती है वो काटते हैं। बरकत ज्यादा चाहते हो तो भोकर देखो। आज सुनो, मैंने जैसे प्रैक्टिकल किया, कुछ दिनों से पैसे मेरी खर्च हो रहे थे। मेरी सिर्फ जेब में जो मैं अपना पर्सनल खर्चा करता हूं सिर्फ 700-800 रुपया था। हफ्ते से भी ज्यादा मैं इतने खर्च हो रहा हूं, वो खत्म नहीं हो रहे, अभी भी हैं, अभी भी हैं जेब में। मैं बोल रहा हूं, मैं खर्च रहा हूं यहां पे 100-200। मुझे ऐसे ही लग रहा वो 2 मछलियों 5 रोटियों वाली बरकत इसमें आई। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। सिर्फ उन्हीं पैसों में मैं जो मेरा पर्सनल खर्च है मैं खर्च रहा हूं, अभी भी मेरी जेब में। जाओ करके देखो, परमेश्वर सच्चा है। आमीन। निकालो अपने अपने पीस को, अपने हाथ में ले लो और खुदा की ओर करो कि परमेश्वर मैं तेरे इस पवित्र नियम को और भी करूंगी, करूंगा, मुझे और बरकत दे ताकि मैं और वफादारी से खुदा मैं ज्यादा बो सकूं, मुझे ज्यादा बरकत दे, मैं ज्यादा बोना चाहती हूं। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे लाखों दे और मैं लाखों बो? कितने चाहते हैं मुझे लाखों दे मैं लाखें बो? पर परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में वफादार नहीं है वो बहुत में नहीं होगा। अब जिसके पास अभी थोड़ा है उसके पास बहुत नहीं होगा। इसलिए खुदा से वादा करो, आज वादा करो, आज अपने अपने मन में वादा करो, वादा करो परमेश्वर से कि मैं इस पवित्र नियम को परमेश्वर वफादारी और खरियाई से करूंगी, मुझे बरकत दे। मैं तेरे इस पवित्र नियम को करूंगी और करूंगा, आज वादा करो। क्योंकि खुदाबंद वो सच्चा परमेश्वर है और आपको बढ़ाने वाला और बरकत देने वाला है। आमीन। सुनो, मैं थोड़े दिन पहले यहां पे एक फैमिली है, यहां पे वो बेटी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तो जो वो जॉब करती है तो उसकी जो सैलरी थी वह कम थी, पर कम में वो वफादारी कर रही थी, पर परमेश्वर ने उससे डबल से भी बढ़ा दिया, डबल से भी, बोलो क्या है, उसकी सैलरी से डबल से भी बढ़ा दिया। पर उसका ज्यादा हो गया तो उसने उतना ही रखा जितना पहले बोती थी थोड़े में, बोले क्या है, पर उसका जो ज्यादा हुआ था फिर पीछे आ गई। मैं उसे बता रहा था और ये बात उसे मैं बड़े लंबे समय के बाद मैंने बताई, क्योंकि जब तक मुझे परमेश्वर कहता नहीं है कि अब इसे सिखा तब मैं सिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई लालच है पैसों का तो मैं बोलूं ऐसे करो ऐसे करो, पूछूं उसने, अभी मैं बताऊंगा नहीं, कुछ चीजें सीक्रेट होती है। पर कौन जानता है, कौन जानता है? इसलिए मैंने कहा आज सब अपने 20 को ऊपर करके वादा करो खुदा से, क्योंकि फिर से आपका बढ़ने वाला यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा फिर से आपका बढ़ने वाला है ज्यादा, करते हो विश्वास? ये होगा, ये 99% होगा, बहुत बरकत पाओगे और बरकत की गवाहियां दोगे। कितने लोग चाहते हैं मैं बरकत की गवाहियां दूं? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं शायद मंडे के वीरवार बता रहा था, मैं दो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग बरकत पाते हैं। बोलो क्या है, कैसे लोग बरकत पाते हैं? बरकत मैं लोगों को बता रहा था, शायद पता नहीं
मंडे की मीटिंग थी कि वीरवार की मीटिंग थी? कैसे लोग अपने काम परमेश्वर से लेते हैं? अगर आपको लेने आते हैं तो फिर आप ले लोगे, हमें तो कहीं खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके बीजों में जो भी आज खुदा इन्होंने तेरे घर के लिए अपने मन को खोला, जो भी ये बिजनेस कारोबार करते हैं खुदा, उसमें तो बड़ी बरकत दे चुका है इनकी जॉब में, इनकी शॉप में, दुकान में, जो खेती करते पशुओं का दूध बेचकर खुदा उसमें से भी निकालते हैं, जो भी ये काम करते खुदा उनकी शॉप में, जॉब में, इनके हरेक काम में तो खुदा बड़ी आशीष दे चुका, बड़ी बरकत दे चुका खुदावन, स्वर्ग से दुगनी बरकत दे चुका मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, अब अपने बीज को बोएंगे और एक सॉन्ग बोलेंगे जल्दी से। जिन्हें पंच रोटियां ते दो मच्छियां चे बरकत पाई, जिन्हें सुन के दुआ हिज खेल दी उम्र वधाई, जिन्हें पंच रोटियां ते दो मच्छियां चे बरकत पाई, जिन्हें सुन के दुआ हिज खेल दी उम्र वधाई, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, जिन्ने बच्चे हथों दिता गोलियत मरवा, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, जिन्ने बच्चे हथों दिता गोलियत मरवा, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, जिन्ने बच्चे हथों दिता गोलियत मरवा, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, जिन्ने बच्चे हथों दिता गोलियत मरवा, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, हथों दिता गोलियत मरवा, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, जिन्ने बच्चे हथों दिता गोलियत मरवा, याद रखियो यो तेरा परमेश्वर है, नबियां दे लई जेड़ा
ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਏ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ